हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग अपने छोटे भाई या बहन या फिर दोस्तों उनकी जिनकी अथॉरिटी आपके पास है, उन बच्चों की दोस्तों आप लोग उनकी मोबाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि देख सकते हैं कि वो ब्राउजर में क्या सर्च कर रहे हैं या किसके साथ पिक ले रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, किससे कितना बात कर रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर किससे क्या चैट कर रहे हैं, ये सभी आप कुछ देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी वीडियो उसी पर है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फ्लिपकार्ट। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों, ये है आपके चिल्ड्रेन का मोबाइल, यानी कि उस बंदे का मोबाइल जिससे आप ट्रैक करना चाहते हो। तो दोस्तों, उसका मोबाइल लेकर के फटाफट आप लोगों को ब्राउज़र ओपन करके सर्च करना है flipkart.net, ठीक है। flipkart.net लिख करके आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा रहेगा स्लाइड राइट टू डाउनलोड, ठीक है। दोस्तों, यहां पर आपको स्लाइड करके इसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप यहां पर स्लाइड करेंगे, फाइल डाउनलोड होने लगेगी, यानी कि ऐप डाउनलोड होने लगेगा। दोस्तों, ऐप डाउनलोड होने के बाद में आप लोगों को इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद में दोस्तों, इसकी जो भी सेटिंग्स मांगे, ठीक है, सेटिंग्स में जो ऑन करने के लिए बोले, आप लोगों को अननोन सोर्सेज को इंस्टॉल करने के लिए ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप लोगों को दोस्तों इसे फाइनली इंस्टॉल कर लेना है अपने चाइल्ड के फ़ोन में, जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ऐप का दोस्तों आप लोग गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद में आप लोग को इसे ओपन करना है, ठीक है दोस्त। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के सामने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी और रूल्स जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ते हुए नीचे जाना है आप लोगों को। पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ने के बाद में आप लोगों को एग्री बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले आपको जो है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर के अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके दोस्तों आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने वाले ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहां पर डाल करके दोस्तों आप लोगों को साइन इन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से कुछ लोडिंग होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके चिल्ड्रेन की, यानी कि उस बंदे के डिटेल्स पूछेगी, ठीक है दोस्त। तो जिसमें आप लोग के चाइल्ड का नाम और दोस्तों उसकी एज पूछेगी। तो दोस्तों, आप लोग को चाइल्ड का नाम और एज डाल देना है। जैसे मान लिया दोस्तों, मैं चाइल्ड का नाम डाल देता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। और दोस्तों यहां पर मैं एज डाल देता हूं इनका 12 इयर्स। दोस्तों, इसके बाद में आपको करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपको परमिशंस के लिए अलाउ मांगेगा, ठीक है दोस्त। तो आपको जाकर के फटाफट से सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग को करना है इनके मोबाइल को ट्रैक। तो दोस्तों, आप लोग जितना ही परमिशन अलाउ करोगे, वो सभी डाटा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो मैं फटाफट से सभी परमिशंस को कर देता हूँ अलाउ। दोस्तों, सारे परमिशन अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा लिखा कंग्रेचुलेशन। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को कर देना है स्टार्ट मॉनिटरिंग पर क्लिक। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्टार्ट मॉनिटरिंग पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में दोस्तों आपके बच्चे का, यानी कि दोस्तों उस बंदे का काम ख़त्म होता है। फिर आपको ओपन करना है अपना मोबाइल, मतलब कि पेरेंट्स की मोबाइल को ओपन करना है। दोस्तों, अपने मोबाइल में अपने ब्राउजर को ओपन करना है। वहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है फ्लिपकार्ट। क्या लिखना है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी flipkart.com की। फिर उसे दोस्तों आप लोगों को कर देना है ओपन। ध्यान रखना flipkart.com, ठीक है। flipkart.com की वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आप लोगों को दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाद में दोस्तों आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर 4 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करना है और मॉनिटरिंग एंड्रॉइड डिवाइस पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों हमें एंड्रॉइड डिवाइस को ट्रैक करना है। जो हमारे चाइल्ड का फोन था, वो था एंड्रॉइड डिवाइस। तो दोस्तों, उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों के
सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को डालना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। दोस्तों ईमेल आईडी वही डालिएगा जो उसमें डालें जिसमें आप रजिस्ट्रेशन यानी कि साइनअप किए थे इस वेबसाइट है, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप लोगों को क्लिक कर देना है साइन इन पर। दोस्तों साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। तो इसमें आपको एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग अपने चाइल्ड की फ़ोन को मॉनिटरिंग करने के लिए आपको सिंपली डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों आप लोगों की टॉप 8 कॉल्स एंड टॉप 8 मैसेज। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं उस चाइल्ड में कि कितनी बैटरी वगैरह है। उसके बाद में दोस्तों 4 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ से इतना सब सारा चीज़ देख सकते हैं, जिसमें आपको फ़ोन फाइल्स, कॉल लॉक्स, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजर हिस्ट्री, फ़ोटोज़, वीडियो प्रीव्यू, ऐप एक्टिविटीज़, की लॉगर, कैलेंडर और लोकेशन ट्रैकिंग, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मैसेज को ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, क्या किससे मैसेज हुई है पूरी बात हम देख सकते हैं, पूरी मैसेज को देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद में 4 डॉट पर क्लिक करके आप दोस्तों और ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं कॉन्टैक्ट को ओपन कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें आपके उस बंदे के मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव रहेंगे दोस्तों सभी कॉन्टैक्ट को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप ब्राउज़र हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो क्या क्या सर्च करता है ब्राउज़र पर, सभी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप लोग दोस्तों यहाँ पर वीडियो प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोशल ऐप्स के बारे में पूरे डिटेल्स देख सकते हैं, सभी सोशल ऐप्स को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं WhatsApp को ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर वो बंदा किससे चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास स्क्रीनशॉट जो है वो आ चुकी है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों सभी सोशल ऐप्स की जैसे Instagram, Facebook, Snapchat की डाटा मेरे पास दोस्तों आ जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं Instagram की, तो दोस्तों अभी हमें कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, Instagram पर अभी इनकी कोई डाटा नहीं अपलोड हुई है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर की लॉगर पर ये की पर क्या टाइप करते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग दोस्तों बहुत कुछ यहां पर देख सकते हैं, फोटोज वगैरह कौन कौन सी है इनके मोबाइल में, सभी कुछ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं अपने चाइल्ड के मोबाइल, पूरी ट्रैक कर सकते हैं, पूरी जानकारी रख सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है आपके चाइल्ड के मोबाइल में, ठीक है दोस्त। तो जाइए डाउनलोड कीजिए अभी किड्स गार्ड ऐप और अपने बच्चों के मोबाइल को रखिए पूरी तरीके से सिक्योर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।